अब मैं अपने चैनल सेहत का खजाना के सभी सब्सक्राइबर से एक बात कहना चाहता हूं कि जब तुम हमारी वीडियो तो दोस्तों क्या आप अपने सब्सक्राइबर बढ़ाना चाहते हो? अगर हाँ तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। अगर आपसे कोई कहता है कि आप मुझे इतने रुपए दो मैं आपको इतने सब्सक्राइबर दूंगा, तो ऐसा कभी भी मत करना, क्योंकि ये सब YouTube टीम की नजर में गलत काम माना जाता है और इससे आपका चैनल फ्रीज भी हो सकता है। दोस्तों सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए कोई ट्रिक या तरीका नहीं होता है, क्योंकि ऐसी कोई भी ट्रिक या तरीका नहीं है जिससे आप अपने सब्सक्राइबर बढ़ा सको। क्योंकि मैंने भी बहुत कोशिश की, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो, मैंने अच्छे अच्छे थंबनेल लगाए, सभी वीडियो पर टाइटल भी अच्छे अच्छे लिखे, हैशटैग भी वीडियो से मिलते जुलते लगाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वीडियो वायरल होना या नहीं होना, लाखों सब्सक्राइबर एकदम से हो जाना, ये सब नसीब का खेल होता है। हाँ बस एक काम जरूर करना, अगर आप रोजाना एक वीडियो डालते हो तो रोजाना एक वीडियो जरूर डालते रहें, या अगर आप 8 दिन में एक वीडियो डालते हैं तो हर 8वें दिन वीडियो जरूर डालते रहें। यानी कहने का मतलब है कि आपने अपनी वीडियो अपलोड करने का जो दिन शुरू से तय कर रहा है उस दिन वीडियो अपलोड हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस दिन आपका दिल किया उस दिन वीडियो अपलोड कर दी। अगर आप अपनी वीडियो का एक टाइम बांध लेते हो तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपकी वीडियो जल्दी वायरल हो जाए। दोस्तों वीडियो यहीं तक थी। अब मैं अपने चैनल सेहत का खजाना के सभी सब्सक्राइबर से एक बात कहना चाहता हूं कि जब तुम हमारी वीडियो देखते नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब क्यों किया हुआ है? 470 सब्सक्राइबर होने के बावजूद भी 5-6 व्यूज आ रहे हैं, तो इससे अच्छा है ना कि आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइबर कर दो। जब आप हमारी वीडियो देखते नहीं हो तो क्या फायदा हमें जरूरत नहीं है ऐसे सब्सक्राइबरों की, समझे? अगर आपको हमारी वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नहीं तो चैनल को अनसब्सक्राइबर कर दो और अपना काम देखो। ओके।